स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल फंक्शन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें एक फार्मूला है पीएमटी करके, उसको हम जानेंगे। या इसके पीएमटी का यूज क्या होता है, ईएमआई कैलकुलेट करना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट बोलें या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे आप कहीं से लोन लेते हैं उसको ईएमआई पर आप किस्त भरते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वही हम बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एक डेटा बना लेते हैं छोटा सा, और उसी पर हम ईएमआई कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट ऑफ द कार, मतलब कोई एक कार हम लेंगे। सबसे पहले कोई कार हम मान लीजिए, कोई कार 5 लाख के करीब लेते हैं, 5 लाख के करीब हुआ कार। डाउन पेमेंट में हम चाहते हैं कि डाउन पेमेंट में हम करते हैं 2,10,000 रुपया, उसको डाउन पेमेंट करते हैं 2,10,000, ठीक है, 2,10,000 उसको डाउन पेमेंट कर दें। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ द कार, कार का रेट है इतना 5 लाख, और डाउन पेमेंट हमने क्या कर दिया, तुरंत उसको पेमेंट कर दिया इतना रुपया, बोले कि भाई मेरे पास इतना ही रुपया है, आप पेमेंट कर लीजिए और बाकी जो बचेगा उसी पर हमारा लोन अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर ईएमआई लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अभी क्या किए, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट जिसको लोन अमाउंट भी बोला जाता है, यहाँ पर कार माइनस कार का प्राइस माइनस डाउन पेमेंट जो अभी तुरंत वो कर दिया गया पेमेंट, वो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2,90,000 मुझे क्या करना है, ये लोन अमाउंट हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को ही बोलते हैं लोन अमाउंट, इतना मुझे पैसा भरना है लोन अमाउंट। यहाँ पे तुरंत जमा कर दिए, उससे माइनस कर देंगे तो लोन अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पर एनम ये कह रहा है कि जो 2,90,000 आप रुपया भरेंगे उसके साथ मुझे इंटरेस्ट ब्याज भी चाहिए, तो मान लीजिए 12% ब्याज लगेगा पर साल का, 12% लग रहा है यहाँ पे, पर एनम का मतलब होता है पर साल का 12% ब्याज लगेगा, यहाँ पे या 15% ले लेते हैं पर साल में, ठीक है। अब देखिए टर्म इन मंथ क्या करता है, टर्म इन मंथ्स में क्या होगा, यहाँ पे आपको कितना दिन में ईएमआई भरना है, तो जो एजेंसी वाले होंगे, कार एजेंसी वाले, वो कहेंगे कि एक काम कीजिए आप, एक इसको आप 17 महीना में क्या करिए, कंप्लीट कर दीजिए, टर्म इन मंथ 17 महीना में भरना है। हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है कि कितना रुपया मुझे ब्याज के साथ, ये 2,90,000 भी और ये ब्याज जुड़कर कितना रुपया मुझे भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे यही समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, कार का दाम है इतना और डाउन पेमेंट कर दिए 2,10,000, तो ये क्या हो गया, दोनों में से माइनस होगा जो 2,90,000, और यही लोन अमाउंट होगा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, कोई लोन अमाउंट बोलते हैं, 15% हर साल ब्याज लगेगा और यहाँ पे टर्म इन मंथ 17 महीना में देना है। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, पीएमटी फार्मूला के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कह रहा है रेट, रेट क्या होगा, जो पर एनम जो ब्याज आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी को रेट कहेंगे, तो ये पर एनम पर साल का बात कर रहा है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे B5 और कहेंगे भागे 12, क्योंकि वो पर साल में लेगा और मुझे पर महीना का इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे 17 महीना में कैलकुलेट करना है तो पर महीना का मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे निकल जाए। अगर डिवाइडेड बाई 12 नहीं करेंगे, 12 नहीं करेंगे, तो वो साल पे बताएगा, तो इसीलिए हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे कि पर महीना मुझे निकालना है, कॉमा देंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे एन पर, एन पर मतलब नेट पीरियड। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, टर्म इन मंथ मतलब कितने दिन में आपको जमा करना है, यही होता है नेट पीरियड, ये हुआ आपका दिन, और कॉमा कर देंगे, और फिर कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या लोन अमाउंट जो निकाला गया उसी को क्लिक करिए और ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रिजल्ट तो आया है, आप देख सकते हैं ये माइनस में आ गया। माइनस में क्यों आता है कि जैसे लोन अमाउंट जो होता है ना, जो फिल करना है वो आपके अकाउंट से या आपको उसको देना है, इसीलिए माइनस में आ रहा है ये रिजल्ट। तो ये माइनस ना आए, आप चाहते हैं कि मुझे इसको प्रिंट करके देना है, जिसका है कि हम उसको पता चल जाएगी पर महीना मुझे 19,041 रुपया भरेंगे, तब वो जाके पूरा लोन अमाउंट चुका पाएंगे 17 महीना में। तो ये माइनस को भी हटाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली फार्मूला पे क्लिक करेंगे, फार्मूला पे यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला बार पे है, यहाँ पे फार्मूला बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला बार पे जाएंगे और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो B4 सिलेक्ट किए हैं इस पर माइनस लगा देंगे
और एंटर कर देंगे, माइनस लगाने के बाद एंटर कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस हट गया, तो 19,041 रुपया आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस लगाया गया है, क्योंकि वो माइनस में आए तो प्लस में हो जाएगा। माइनस क्यों लगता है, क्योंकि आपको देना ही ना है उसको लोन, इसलिए माइनस होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, पर एनम भी समझ में आ गया कितना दिन में करना है। तो अब यहाँ पे बात कर लें इक्वल टू, ये टोटल पैसा गुने 17 महीना में ना देना है, तो ये एंटर करेंगे तो क्या होगा, टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा, 3,23,704 रुपया देगा। ये ब्याज और ये 2,90,000 जुड़ कर क्या हो गया, 3,23,000 उसको टोटल रुपया देना है। तो ये था PMT फंक्शन की मदद से आप EMI कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसे ही IPMT PPMT भी होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। जिससे क्या है कि यहाँ पे लोन अमाउंट और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट पर एनम है, तो ये दोनों मिलाकर ये 3,23,000 हो रहा है। अब अगले फॉर्मूले में जानेंगे ये पी मतलब लोन अमाउंट टोटल कितना भरेगा 17 महीना में, और ये जो इंटरेस्ट पर एनम है वो कितना भरेगा 17 महीना में, तो उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसको नहीं पता हो, ये फॉर्मूला जान जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।